जी, कैसे हैं आप सब? और मॉर्निंग शुरू हो गई है हमारी अजवाइन जीरा वाटर से। तो भैया, हमने तो कर लिया है इसको बॉयल, अजवाइन जीरा वाटर को, आप छान के अपने रूम में ले जाऊंगी और आराम से सिप सिप करके इसको, जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, मैं आराम से इसको पीऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं सबसे ऊपर वाली छत यानी के थर्ड फ्लोर पे आई हूँ। और यहाँ पे ना आज कपड़े सुखा रखे हैं, ये देखिए, आज मैंने ऊपर ही कपड़े सुखाए हैं। और भव्य और आराध्य, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं अपना कुछ आर्ट वर्क करती हूँ। अच्छा, और आराध्य क्या कर रही है? टाइम पास। आराध्य टाइम पास कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लंच में बनानी है कढ़ी, और अब बहुत दिनों बाद मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी कर ली है तैयार, और यहाँ पे देखिए कढ़ी भी मैंने छौंक दी है। अभी ना मैंने बस इसको लहसुन प्याज और जीरा वगैरह में छौंक दिया है, और जो लास्ट में जो तड़का आएगा ना, वो देगी मिर्च का, वो लास्ट में करती हूँ मैं एक बार फिर से। तो बस अभी कढ़ी चला रही हूँ, धीरे धीरे जब ये बॉयल हो जाएगी तब मैं इसको छोड़ दूँगी, और चावल भी बनाऊँगी थोड़े से, और फिर जाना है छत पे खाना बना के। आज कपड़े धोए थे तो ऊपर ही सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये मेरी कढ़ी बॉयल हो जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा इसमें ना नींबू डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप में से कौन नींबू डालता होगा कढ़ी में? नींबू डालने से खट्टी नहीं होती है कढ़ी। कभी आप सोच रहे हो मैं खट्टी बन की वजह से डालती हूँ, तो इस तरीके नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर कोई डालता, तो फ्रेंड्स कढ़ी में लगा दिया है मैंने बढ़िया सा देगी मिर्च का छौंक, और अब मैं देने के लिए जा रही हूँ इनको, फिर मैं भी खाती हूँ। आज मैं बस कढ़ी चावल ही खाऊँगी और रोटी नहीं खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ी चावल तैयार है गर्मा गर्म, और गाजर और मूली का सैलेड। जे कुछ काम कर रहे हैं, और मेरा 32 बार फार्मूला एकदम बढ़िया जा रहा है, और उसकी चंडी खूब अच्छी जा रही है। और फ्रेंड्स, कई मेरे जो कमेंट आ रहे हैं कि आप 32 बार फार्मूला करते हो, उसमें आप क्या क्या खाते हो, कैसे करते हो, तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड, बहुत ही अच्छी धूप है देखो, और मेरा सारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं यहाँ पे, हो ना, ऊपर वाली छत पे। बहुत कम आती हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे नीचे आराम से सूख जाते हैं, और बस नीचे थोड़ा सा ना पीछे की साइड में पुताई चल रही थी, लास्ट वही रह गया था, इन्होंने छुट्टी कर ली थी पुताई वालों ने। तो मैं दिखा रही हूँ आपको अभी, हमारा लंच हो गया, मैंने कढ़ी चावल खा लिए हैं। और मैं कढ़ी चावल, मतलब चावल मैं खा लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरे जैसे जैसे मैं माड़ निकाल के चावल बनाती हूँ ना, ऐसे चावल बनाओगे तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, और चावल आपको नुकसान भी देंगे। और मैं सोच रही हूँ कि अब कपड़ों की तय बना लूँ, ऊपर आई हूँ तो उसके बाद मैं जाके फिर नीचे जाऊंगी, तो गर्म पानी या फिर ग्रीन टी लेती हूँ। तो बने रहिए आप इस व्लॉग में। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं ले आई हूँ ग्रीन टी, और मैंने ऊपर से ना कपड़े उतार के लेकर आई थी, तो अब शाम को मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, और मैं उसके बाद फिर रात का डिनर बनाऊँगी। कढ़ी भी रखी है, लेकिन आराध्या को कढ़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, उसने दोपहर में जैसे तैसे करके खा लिया मेरी बात मान के। तो मैं अब उसके लिए थोड़े से आलू बनाऊंगी, और मैं अपनी ग्रीन टी ख़त्म कर लेती हूँ, ये देखिए। और हर खाने के बाद आपको आधे घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर पीना चाहिए, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ग्रीन टी ना पी सको तो फिर आप जीरा और जॉयल वाटर का पानी पी सकते हो। और इसमें ना फ्रेंड्स, गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जब भी आपको प्यास लगे आप गर्म पानी ही पियो, और 32 बार फार्मूला भी अपनाओ, तो वाकई में ही सच में आपका वेट कम होगा। तो मैं पी लेती हूँ यहाँ पर ग्रीन टी। सो फ्रेंड्स, आज मैं अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब जैसे मेथी फ्रेश आ रही है, तो मैं आज फ्रेश मेथी आलू नहीं बना रही, जो कस्तूरी मेथी होती है ना, मैं वही बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, 32 बार फार्मूला बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, और सच में बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप सबका बहुत मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर जिसने भी शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर इसको स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही ईजी है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि सबसे आपको कुछ भी नहीं करना, और आप अच्छे से खाना भी खा सकते हो, ये आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखिए, थोड़ा बहुत तो ना मैदे की और ऑयल की बनी हुई चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी ही होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कह सकती मैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने और मम्मी जी ने खाना खा लिया था, उनको ना मैं पहले ही खिला देती हूँ 7-8 बजे करीब।
और हम लोग ना फिर 9 बजे खाना खाते हैं। तो ये आ गए हैं और ये अपने रूम में बैठे हैं, बस मैं चपाती बना के लेके जा रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि 32 बार फॉर्मूला करके आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और मुझसे ना सब पूछते भी हैं कि आपको क्या फ़र्क लग रहा है क्या, तो देखिए मैं तो ये कहूँगी कि मुझे थोड़ा बहुत तो फ़र्क लग रहा है। अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं 32 बार फॉर्मूला करते करते, तो मुझे थोड़ा बहुत तो फ़र्क लग रहा है। लेकिन बहुत से ना मजाक मजाक में सब ये पूछते रहते हैं कि 32 बार चबा चबा के खाने से क्या है, सच में खाना चाहिए। तो मैं खाती हूँ और यहाँ पे देखिए खाना भी बन चुका है। तो मैं थोड़ी सी इनको कड़ी दे रही हूँ और थोड़ी सी इनको जो आलू मेथी की भुजी बनाई थी मैंने, तो थोड़ी सी बच गई है, आराध्या ने नहीं खाई फिर ज़्यादा। तो बस फिर इनके लिए मैं लेके जा रही हूँ, उसके बाद मैं अभी अपना लगाती हूँ, इनके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रात का डिनर है, कड़ी रखी थी और थोड़े से मैंने आराध्या के लिए आलू बनाए थे और एक चपाती हरी मिर्च है। अभी सैलेड नहीं काटा मैंने आज रात में ना, और इनको देने जा रही हूँ, फिर मैं भी लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स रात का खाना खाए हुए ना मुझे आधा घंटा हो गया, और उसके बाद मैं ये गर्म पानी पीती हूँ। तो आधे घंटे के बाद गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स अब मुझे ना आपके थोड़े से कमेंट जो आ रहे थे उनका मुझे आपको जवाब देना है। और मुझसे ना एक बार कमेंट में ये पूछा गया था कि जो आप चावल खाते हो इससे तो मोटापा बहुत बढ़ता है, चावल खाने से तो हमने सुना है कि चावल खाने से बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता है, तो आप चावल खाते हो तो आपका मोटापा नहीं बढ़ता क्या? तो फ्रेंड्स मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि चावल आप पसा के अगर मार निकाल के बनाओगे ना तो चावल खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है। और एक दूसरा कमेंट ये आया था कि 32 बार चबाने से क्या कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो मुझे नहीं लगता कि 32 बार चबाने से कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि अगर आप 32 बार चबा के खाओगे तो क्या है कि आप हर चीज़ की प्रोटीन जो भी आपको लेना है खाने में वो आप लेना ज़रूर चाहिए। 32 बार फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि आप डाइट करो, आप भूखे रहो, बस एक रोटी खाओ, कुछ मत खाओ, बहुत ज़्यादा मतलब डाइटिंग करो। तो 32 बार फॉर्मूला का ये कोई भी रूल नहीं है। 32 बार फॉर्मूला तो सिर्फ 32 बार चबाने का ही रूल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप चावल खाओ, और माड़ वाले जो चावल होते हैं जिसे हम पसा पसा के बनाते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ ना, तो जो सीटी कुकर में जो बनाते हैं सीटी लगवा के, वो थोड़े से नुकसान देते हैं। वैसे चावल ना बनाओ, और इस तरीके से चावल बनाओगे तो आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप चावल खाते हो तो कम से कम पहले आप एक रोटी ज़रूर खाना, ठीक है? और 32 बार चबाने से कैल्शियम की कमी नहीं होती है। यहाँ पे मेरा खाना पीना रात का डिनर सब ख़त्म हो चुका है, और मैंने बर्तन वर्तन भी क्लीन कर दिए हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। और मैंने रात में आपको बताई दी मैंने डिनर में क्या बनाया है, कड़ी रखी थी और थोड़े से मैंने आराध्या को आलू बनाए थे, मेथी आलू। तो सबने डिनर कर चुके हैं, और बस फ्रेंड्स यही है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मतलब 32 बार फॉर्मूला इतना ज़्यादा असर करेगा। और जिसने भी देखो अभी स्टार्ट नहीं किया, प्लीज़ मेरे कहने से आप प्लीज़ एक बार स्टार्ट करके देखिए, और जब भी आपको पता चलेगा इसका कैसा रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबका ही फ़ायदा हो इससे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो को अब एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।